हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज हम यहां पे बात करेंगे फुटबॉल दुनिया के कुछ बेहतरीन खबर के बारे में, और गाइस खास करके यहां पे नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न एफसी के नया फॉरेन स्ट्राइकर के बारे में भी आपसे बात किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर ऑन आवर मिशन टू कम्प्लीट 53,000 सब्सक्राइबर्स ऑन द चैनल। दोस्तों चलिए बात करते हैं पाकिस्तान की। और दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, पाकिस्तान से अब फीफा बैन हट चुके हैं। जी हाँ, पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन अभी कम्प्लीटली फीफा के कंट्रोल में है। और गाइज, नाउ पाकिस्तान इज रेडी टू रिटर्न टू इंटरनेशनल फुटबॉल। दोस्तों 15 नवंबर में पाकिस्तान के फुटबॉल टीम नेपाल के खिलाफ नेपाल के दशरथ स्टेडियम पर खेलेंगे एक फ्रेंडली मैच। नेपाल की टीम के लिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाले है। दोस्तों इस मैच के प्रीव्यू में हम जल्द ही इस मैच के बारे में डिटेल में बात करेंगे। खबर आ रहा है नॉर्थ ईस्ट एफसी के कैंप से। और गाइज यहाँ पे बहुत सारे सोर्स, खास करके एनयूएफसी वर्ल्ड, ये क्लेम कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट एफसी ने साइन कर लिया है कोलंबिया के स्ट्राइकर विल्मर जॉर्डन गिल को। विल्मर जॉर्डन गिल अपने कैरियर में वेनेजुएला, साउथ कोरिया, बुल्गेरिया से लेकर यूनाइटेड अरब अमीरात तक कई देशों में फुटबॉल खेल चुके हैं। एक तरफ से आप उनको जर्नीमैन भी कह सकते हैं। 2013 में वो बुल्गेरियन लीग के टॉप स्कोरर भी रहे थे। दोस्तों अभी सिर्फ इस प्लेयर के बारे में बताया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट एफसी के क्लब की तरफ से अभी तक इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन गाइस, विल्मर जॉर्डन गिल एक काफी एक्साइटिंग नाम है। चाइनीज सुपर लीग में वो खेल चुके हैं। और गाइस अगर वो हाईलैंडर के इस टीम को ज्वाइन करेंगे तो गाइस यानिस पदिला, अल्फोंसो पाइज, जॉन मोस्क्वेरा, जानेला रिवर्स पैलेसियोस और जोजेल डेविड ल्यूदो के बाद नॉर्थ ईस्ट एफसी की तरफ से खेलने वाले छठे कोलंबियन प्लेयर होंगे। तो गाइस क्या वो वाकई में नॉर्थ ईस्ट एफसी को ज्वाइन करेंगे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।